नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टी20आई सीरीज में वेस्टइंडीज ने धमाकेदार प्रदर्शन जारी रखा। पांच मैचों की टी20आई सीरीज के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज ने शानदार खेल दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 16 रनों से हरा दिया और टी20आई सीरीज पहले ही जीत चुकी वेस्टइंडीज ने 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। कैरिबियाई टीम के लिए शानदार फॉर्म में चल रहे एविन लुइस ने एक बार फिर धमाकेदार बल्लेबाजी की। वेस्टइंडीज ने अपनी पारी में 8 विकेट पर 199 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 183 रन ही बना पाई। पूरे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक ही मैच जीत पाई। सेंट लुसिया में खेले गए आखिरी टी20आई मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। पारी का आगाज करने उतरे वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज आंद्रे फ्लेचर और एविन लुइस ने अच्छी शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 40 रन जोड़े। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए क्रिस गेल ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में 21 रन बनाए। एविन लुइस ने एक छोर पर टिककर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 34 गेंदों पर ही 79 रन ठोक डाले, जिसमें 4 चौके और 9 छक्के लगाए। निकोलस पूरन ने भी कप्तानी पारी खेलते हुए 18 गेंदों पर 31 रन बनाए। कैरिबियाई टीम ने अपनी पारी में निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 199 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के सामने 200 रनों का लक्ष्य मिला था। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एंड्रयू टाई ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए थे। 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और पहला विकेट 9 रन पर ही गिर गया था। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी मिशेल मार्श ने कप्तान एरोन फिंच के साथ कंगारू पारी को आगे बढ़ाया। मार्श ने 15 गेंदों पर 30 रन बनाए, वहीं फिंच 34 रन की पारी खेलकर आउट हुए। कंगारू टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 183 रन ही बना पाई। कैरिबियाई टीम की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शेल्डन कॉटरेल और आंद्रे रसेल ने 3-3 विकेट लिए। 79 रन की धुआंधार पारी खेलने वाले एविन लुइस को प्लेयर ऑफ द मैच, वहीं सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हेडन वॉल्स जूनियर को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। आपको बता दें, इसके बाद दोनों टीमों के बीच ODI सीरीज भी खेली जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।